किन मुद्दों पर चर्चा की आप कर रहे हैं? डिस्कशन बैठक जो हुई थी उसमें हम लोग ने कुछ इश्यूज दिए थे कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते हैं तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था। आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली दोपहर से अब ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमेटी है उसके साथ में वो डिसाइड करेगी, डिस्कस करेगी, इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा, और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम कितने डिसएग्री करते हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख्यालत मिलते भी नहीं है कुछ इशू पर तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे, ये एक डिसीजन हो गया है। सर, उद्धव जी और राहुल जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया? राहुल जी उद्धव जी लगातार कह रहे हैं, पवार साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, तो हकीकत है वो सर। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था, एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है, और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट उतार मतलब नाम डिक्लेयर किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह रहे हैं। पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी इशू पर हम लोग की राय अलग अलग है तो ये अलग अलग कितनी राय है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि हम लोग छाछ भी अगर पिएंगे तो मैं फूक फूक के पीने को सलाह सबको दे रहा हूँ, और ये एक मुद्दा ख़त्म होने के बाद सेकेंड फेज में जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा। सर, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप सर आज सीट शेयरिंग को अंतिम नहीं होंगे। मैं तो महाराष्ट्र के हद तक हूँ, मैं तो उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बीजेपी का ऑफर तो मुझे बहुत पहले से ही है, नया नहीं है। सर सर एक चीज, आप पर सर एक आरोप लगा जानबूझ के आप देरी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिलके जल्द से जल्द इसको खत्म करना चाहती सीट बंटवारे को, और आपको इसे देरी। सवाल ऐसा है कि अगर उनको खत्म करना होता तो 2.5 साल में वो खत्म करते। अब ऐसा है कि हम कल ही मीटिंग में आए हैं तो आपके ये बुनियाद जो है कहीं ना कहीं तो भी किसी ने आपसे कहा है कि ये सवाल पूछे। चलो मैं जीतू तुम्हें आता फेस करा। देखिए अभी हम बाला साहब को यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, बाला साहब जा रहे हैं कार्यक्रम को, सब कुछ ठीक है,